मैं पार्टी का, मैं दिल्ली का हेड हूँ, चीफ हूँ, ये भी मुझे अच्छा लगता है। और मैं उस प्रदेश का चीफ हूँ जहाँ जिस पार्टी के व्यक्ति जो प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे सैकड़ों सांसद हैं। लेकिन ये मैं भूल के आता हूँ यहाँ पे, मैं तनिक भी मेरे अंदर ये वो, जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ मुझे पेपी में जाना है तो फिर मुझे लगता है कि मैं एक मेंबर हूं, भले मैं टीचर नहीं बन पाया, मैंने कोशिश तो किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ तो आप अपने लिए प्लान करते हो, फिर कुछ आपके लिए वो कोई है, एक शक्ति है ऊपर, वो आपके लिए भी प्लान करती रहती है। आज भी मेरे जितने फिजिकल एजुकेशन BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मेरे जितने साथी मिलते हैं, कहीं किसी कॉलेज में जाता हूं, किसी यूनिवर्सिटी में विजिट होता है तो मिल जाता है, फिर तू यहां क्या कर रहा है, बोला मैं यहां मैं फिजिकल एजुकेशन का यहां पे पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई करा रहा हूं, टीचर हूं। उस खुशी को कोई क्या, कैसे हम शब्दों में बता सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि अगर हम फिट तो इंडिया फिट का नारा लगेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री को भी एक वीडियो बनाने की इच्छा होगी, जिसके लिए मुझे भी थोड़ा कूदना पड़ेगा, मैंने भी वीडियो बनाया। मेरे देश का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो स्वयं ओलंपिक में गोल्ड सिल्वर मेडल जीत के आया हो, और जब उसके साथ बैठ के हम बातें करेंगे, मैं बोलता हूं कुछ ऐसा करो जिससे आप भी आने वाले इतिहास में आपका नाम अच्छा हो। और हम चूंकि इस समय के वर्तमान गवर्नमेंट के साथ हैं तो मेरा भी कुछ अच्छा हो, मैं भी बोल सकता हूं। और पिछले पेपी और इस पेपी के बीच मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ शेयर करने को है कि इस देश में पहली बार हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स की अलग यूनिवर्सिटी ही बनाने का बिल पास कर दिया है, और वो मणिपुर में बनने जा रही है। हमने उसके लिए 524 करोड़ रुपए का बजट दिया है, उसमें उसकी सारी पढ़ाई स्पोर्ट्स। अभी क्या होता था कि हम अच्छे अच्छे कोच नहीं मिल पाते थे, हमें अच्छे हमारे टीचर जिस लेवल के हम चाहते थे, तो स्पेशली हमारे देश में एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ही होगी, और सिर्फ वो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, मणिपुर में बन गई वही होगी, उसके हम कम से कम 100 ब्रांचेज खोलने वाले हैं पूरे देश में। तो अब तो हमें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की, प्रोफेसर्स की हमें कमी होने वाली, और ये इसलिए करना है कि अगर हम देश को फिटने, एक तो दूसरा हो गया कि आप खिलाड़ी बहुत चुनिए, ऐसा खिलाड़ी लाइए कि हमारे देश को मेडलों की भरमार हो जाए। बट जो नेक्स्ट थॉट है हमारे देश के पीएम की, वो ये भी है कि कम से कम हमारे देश का हर व्यक्ति फिट तो रहे। आई डोंट नो आप लोगों को अभी वो जानकारी है कि नहीं, हम लोगों ने एक अपने देश में एक प्लान पास किया है जो 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से उसका कार्ड देना शुरू करेंगे अपने देश के लोगों को। कितने लोगों को देंगे? 10 करोड़ फैमिली को देंगे सर, 10 करोड़ फैमिली आउट ऑफ 25 करोड़। हमारे देश में टोटल फैमिलीज 25 करोड़ हैं, हम 10 करोड़ फैमिली को एक कार्ड देने जा रहे हैं जिसमें 5 लाख रुपए होंगे। उस 5 लाख के कार्ड को जब भी आपकी तबीयत खराब हुई, आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपको उस कार्ड को यूज करना है, और 5 लाख रुपए तक उस फैमिली का जो भी व्यक्ति दवा कराता है
उसी कार्ड में से कट जाएगा वो भारत सरकार वाला कार्ड। ये पूरे वर्ल्ड की बिल्कुल यूनिक व्यवस्था है, किसी देश ने इतना बड़ा प्लान नहीं लाया। 10 करोड़ फैमिली मतलब 50 करोड़, आप 5 आदमी भी रख लीजिए फैमिली में, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्यों लानी पड़ी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस 5 लाख के लिए लोग बीमार पड़े, हम नहीं चाहते कि उसके लिए लोग सोचे कि एक गवर्नमेंट ने दे दिया 5 लाख, अभी क्या टेंशन है, हम तो बीमार पड़ेंगे तो सरकार खर्चा उठाएगी। इसलिए आज हम योगा पे जोर दे रहे हैं, इसलिए आज हम फिट तो इंडिया फिट। इंडिया कौन है? हु इज इंडिया? हम फिट तो हमारा इंडिया फिट। हम तो सीधा सीधा मतलब समझते हैं, इंडिया फिट मतलब इंडिया का खजाना फिट। हम लोग इंडिया है, हम एक एक व्यक्ति जुड़ के, बिल्कुल किसी ने कहा हम इंडिया है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एक मार्क किया हुआ देश का सीमा, उसके रहने वाला जीव जंतु सब कोई। अभी आज हमारे पार्लियामेंट में रेल मंत्री को किसी ने, सांसद ने कहा कि आपने जहां ये रेल लाइन बनाई वहां पे हाथी रहते हैं, हाथियों का नुकसान हो रहा है, तो रेल मंत्री ने फ्लोर पे बयान दिया हम ऐसा रूल बनाएंगे कि जहां हाथियों का क्षेत्र है वहां ट्रेन 20 किलोमीटर के स्पीड से चलेगी ताकि हाथी आए तो ट्रेन को रोका जा सके, ऐसा फ्लोर पे बोला। तो हम तो देश की परिधि में जानवर को भी, जंतुओं को भी, वनस्पति को भी, नदियों को भी, सबको रख रहे, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लाने के पीछे छोटा सा उद्देश्य है कि आप खिलाड़ी भी बनाए और आप देश के लोगों को स्वस्थ रहना भी सिखाए। इसलिए मेरा पेपी से जुड़ाव सिर्फ संयोग नहीं है, मैं संसद में आपका सदस्य हूं, आपके पेपी का सदस्य हूं। मैंने अभी भाई साहब को कहा, उपल जी को कहा, हम लोग बैठते हैं, पीयूष को मैंने कहा आप बैठिए, कुछ और प्लान होते हैं, क्योंकि इस साल में, एक साल में हमने कोचेज के रेट बढ़ाए, हमने डिस्कशन किया, पीछे आप लोगों ने लिख के दिया था, पहले विदेशी कोच आते थे उनका सीधे 2 गुना 2.5 गुना रेट होता, वेतन होता, हमारे देश का कोच है उसका कम होता। अभी हम लोगों ने कर दिया, अगर योग्य कोच इंडिया का भी है तो एक फॉरेन कोच के बराबर उसको वेतन दिया जाएगा, ऐसा रूल बना। हम लोगों ने डाइट को भी, डाइट को, डाइट के ऊपर कसरत किया। अब डाइट पे जब हम और राज्यवर्धन बैठे हम लोग, तो आपको जान के आश्चर्य होगा जब अधिकारियों से पूछ रहे कि ये इतने 3.5 और 6.5 रुपए में कौन सा डाइट दोगे जिससे स्पोर्ट्समैन बनेगा, स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, कोई सिंधु बनेगी, कोई कौन बनेगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उस डाइट चार्ट को भी बढ़ाया। आप थोड़ा सा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिजिकल एजुकेशन की दुनिया इतनी बड़ी है कि हम तो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं साहब, हम सबको समझा सकते हैं कि क्योंकि अभी भी अगर नहीं बात गई तो लोकल स्तर पे जो होगा उसको नहीं बढ़ा के देगा, नहीं पता होगा तो। तो हमने जो जो इस साल भर में स्पोर्ट्स और एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमने अच्छा काम किया उसको भी पेपी लोगों को बताए। उपल सर, मेरी ये गुजारिश है आपसे, और अभी साल भर हुआ है, अगले साल जब मिलेंगे तो हो सकता है और भी कुछ चीजें जो बची होंगी उसका भी निराकरण करके लाएंगे, ऐसा मैं आपको इंफॉर्मेशन देते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं एक बार फिर से पेपी का धन्यवाद करता हूं, मुझे संरक्षक बनाया। संरक्षण करने की क्षमता हमारे में अकेले नहीं है, लेकिन जब हम सब लोग मिल जाएंगे तो भारत के खिलाड़ियों का और भारत के लोगों के स्वास्थ्य का संरक्षण, स्कूलों में, कॉलेजों में होने वाली शिक्षण व्यवस्थाओं का, उनकी सुविधाओं का हम संरक्षण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वंस अगेन, आप इतना ध्यान से सुने आए, आपकी जितनी वो
किसी का पॉइंट्स हो जो आज के मीटिंग में निकला हो, आप मुझे लिख के दीजिए और हम लोगों को फिर किसी दिन बीच में बुला लीजिए। आनंदेश्वर भाई साहब का भी थोड़ा सा लाभ लिया करिए, इनको बहुत सारे काम दिए हैं हमारे सब अर्जुन तवाड़ी, इन सब लोगों के साथ मिल करके हम एक फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर इंडिया बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।